हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने घर के सीलिंग फैन को कैसे क्लीन करती हूँ। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सीलिंग फैन को क्लीन करने का एक ऐसी ट्रिक कि आप अपने घर को बिना गंदा किए इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये पुराना पिलो कवर लिया है, ये कॉटन का पिलो कवर है। इस पिलो कवर का यूज मैं फैन को ही क्लीन करने में करती हूँ। तो हमें पिलो कवर के ऊपरी साइड को इस तरीके से पकड़ना है, और फैन के हमें एक साइड में इसको धीरे से इस तरीके से चढ़ा देना है। मतलब कि हमें फैन की एक साइड को अच्छे से कवर कर देना है, और उसके बाद हम दोनों हाथ से इस तरीके से इसके साइड को रगड़ते हुए धीरे धीरे करके हम बाहर की तरफ ले आएंगे, जिससे कि फैन में जो भी गंदगी थी, धूप मिट्टी थी, वो सब पिलो कवर के अंदर चली जाएगी। और इसी तरीके से हम फैन की दूसरी साइड को भी कवर करेंगे, और हम इसे भी इसी तरीके से धीरे धीरे करके रगड़ कर बाहर की तरफ ले आएंगे। आप देख सकते हैं फैन में जो भी गंदगी थी वो सब पिलो कवर के अंदर चली गई है। इस तरीके से ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गिरती है, और हम इसी तरीके से लास्ट में जो ये तीसरी साइड बची है इसके ऊपर भी हम कवर को चढ़ाएंगे, और हम हाथ से इसी तरीके से इसको रगड़ते हुए इसको भी बाहर की तरफ लेकर आएंगे। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरी साइड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद अब हम पिलो कवर के बाहर की साइड से इसको ऊपर से भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। और हमारा फैन की साइड जो है दोनों हमने पहले ही ऊपर से नीचे से भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक गीला कपड़ा लिया है, तो अभी अब हम फैन को सबसे पहले गीले कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैक हो जाता है साइड में, तो अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको रब कर देंगे, जिससे कि इसमें जो भी गंदगी जमा है वो सब हट जाए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर दिया है, और हम इसकी ऊपरी साइड को भी अच्छे से क्लीन करते जाएंगे साथ में, और हम इसके बीच के हिस्से को, इसके ऊपरी हिस्से को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कोलीन, हम कोलीन को स्प्रे करते हुए फैन को ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हम इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देंगे, और एक साफ कपड़े से हम इसको पोंछते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मेरा फ़ैन पहले कितना ज़्यादा गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने घर के सीलिंग फ़ैन को क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।